कोरोना वायरस संक्रमण से बचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही बचाव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, प्रदेश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें। कोरोना वायरस होने के लक्षण: तेज बुखार, खांसी, सांस की कमी, सिर में दर्द। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय: मास्क का प्रयोग करें, खांसी होने पर मुंह ढक लें, साबुन से हाथ धोएं व नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जानवरों से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। किसी भी प्रकार के लक्षण आने व इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नजदीकी चिकित्सालय से मदद लें। कोरोना राजस्थान हेल्पलाइन 0141-222-5624। राइट स्टेप ग्रुप द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश शर्मा एक बार फिर से बीकानेर अब तक न्यूज में सुर्खियों के साथ में हाजिर हूँ। आइए देखते हैं आज की क्या रही खास खबर। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत और बीकानेर में सड़कों पर देखने लगी आमदनी। नया शहर पुलिस अब नई भूमिका में, बाहर निकलने वाले गैर जरूरी कार्यों से लोगों के रवैये समझाए। शराब के ठेके खुलने के आदेशों के साथ ही बंद होने के हुए आदेश लेकिन सुबह से देखने लगी शराब। विदेशी ट्री हाउस की प्रेरणा के साथ ही पांच गांव के सुसराम ने बनाई पीतल की मेज पर एक शानदार थी। बादलों की आवाजाही से सुबह से ही मौसम हुआ सुहावना। बीकानेर के देव नगर में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही ग्रीन जोन में जाने की अटकलें हुई एक बार खास। महापौर और निगम के अधिकारियों के बीच में बैठक। मोहल्ला चौक, केरीवाड़ा, कुरगेट और साधु सिंह सर्किल पर सघन चेकिंग अभियान जारी। और राजकृष्ण माध्यमिक विद्यालय हिमाचल की अध्यापिका ने किया रक्तदान बनी प्रेरणा राशि। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं, देश में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान कुछ चीजों में रियायत दी गई है। खासतौर से देश को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में काफी कुछ रियायतें दी जा रही है। हालांकि बीकानेर भी ऑरेंज जोन में ही है, जिसके चलते बीकानेर में आज लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर आमद रफ्त देखी गई। हालांकि इस तरह से व्यवहार करते हुए लोगों को बचना चाहिए। अभी भी कोरोना का कहर और उसकी दहशत कम नहीं हुई है। बीकानेर में एक मरीज हालांकि पॉजिटिव आने के साथ ही पिछले कई दिनों से नेगेटिव आने रिपोर्ट के साथ भी खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। कुल मिलाकर के बीकानेर में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के साथ ही लोग ये समझने लगे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर के विभिन्न मार्गों का, सड़कों का, मोहल्लों का वो नजारा, जिसमें देख करके हम सहसा ही अनुमान कर सकते हैं कि बीकानेर के लोग थोड़ी समझदारी अगर दिखाएंगे तो हम इस खतरे से बचे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी भी अगर लापरवाही रही तो हम इस खतरे को एक बार फिर से गले लगा लेंगे। कुल मिलाकर के ये दृश्य जो है वह समझदारी वाले नहीं थे। बीकानेर अब तक के कैमरामैन ने इस तरह के कई दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया। देखा था मैं आपको लॉकडाउन 3.0 के बाद में बीकानेर की मोहल्लों, सड़कों का वो नजारा, जिनमें खास तौर से आदमियों में समझदारी कम और लापरवाही ज्यादा दिखाई दी। बीकानेर के नगर निगम में महापौर सुशीला कंवर और निगम अधिकारियों के बीच में एक बैठक संपन्न। पिछले दिनों एक पार्षद के साथ में कथित दुर्व्यवहार के आरोप के बाद में मामला तूल पकड़ने लगा था। लिहाजा महापौर ने बीच बचाव करते हुए अधिकारियों के साथ में बैठक ली और इस मामले को शांत कराया। आइए हमने इस पूरी मीटिंग को अपने कैमरे में कैद किया, दिखाते हैं आपको इस मीटिंग की कुछ दृश्य। महापौर सुशीला कंवर से की बातचीत। देखिए, निगम पूरा एक परिवार है, यहाँ पे पार्षद और अधिकारी सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी बातें हो जाती है, मन उठा हो जाता है, तो अभी हमने बैठ के पूरा सॉर्ट आउट कर दिया। अभी कोई ना इनको प्रॉब्लम है ना मैडम को प्रॉब्लम है,
कलेक्टेड है, प्रेशराइज वो भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है परिवार में। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो भी काम होता है वो सॉल्व हो गया है और सब अच्छे से काम कर रहे हैं। बात थी जो भी हमने बैठ के सॉल्व कर दी, पार्षद भी खुश है और मैडम भी। वहीं पिछले दिनों जिस पार्षद और जनप्रतिनिधि के साथ में ये दुर्व्यवहार हुआ था, हमने उससे भी बातचीत की। हुआ कि महापौर साहब और अर्चना मैडम, महापौर साहब ने अर्चना मैडम को बुलाया, बुला के सारों लगभग पार्षदों की मीटिंग थी, मीटिंग में अर्चना मैडम को बुला के बातचीत हुई और अर्चना मैडम ने कहा भी जो भी बात हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आगे से ऐसी हरकत मैं नहीं करूँगा, जो भी हुई है वो। राज्य सरकार के शराब के ठेकों को आदेश के साथ ही खोलने के आदेश हुए थे, लेकिन इन आदेशों के साथ ही जहां शराब के ठेकों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने लगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी बहुत स्थानों पर नहीं की गई थी। कोरोना की इस कहर के चलते हुए यह फैसला कहीं भारी न पड़ जाए, इसे चलते हुए सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई, जिनमें खासतौर से शराब पीने वालों को और शराब बेचने वालों को आर्थिक व्यवस्था के मजबूत पायनियर के रूप में बनाने की होड़ लगी थी। सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग के बाद में सरकार ने इस आदेश को पुनः वापस कर लिया है और फिर से शराब के ठेके बंद करने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन सुबह से लेकर अब तक जो नजारे शराब के ठेकों पर दिखाई दिए उसे हमारे कैमरा प्रतिनिधियों ने अपने कैमरे में कैद किए। देखा था आपको अलग अलग क्षेत्र में शराब के ठेकों का वो सूरत हाल जहाँ पर लोग शराब खरीदते हुए देखे गए। हमने यहाँ पर शराब विक्रेताओं से की बातचीत। निर्देश के आदेश पे ये जो अच्छा निर्देश सोशल डिस्टेंसिंग का है, क्या दिया? अच्छे फुट का रखना है और देना है, सैनिटाइज वगैरह, सैनिटाइजर है रखा हुआ है, जो भी आ रहे हैं उनको लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं? हाँ यूज कर रहे हैं, ये लेता लगभग एक बोतल दे रहे हैं, एक या दो या एक से दो, कितने तक का कोई ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं हमारे को, अभी एक दो बोतल से ज्यादा देते हैं। वही शराब ठेकों पर लगे पुलिस कार्मिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में भी काफी मशक्कत की। यहाँ पर ड्यूटी पर खड़े इन पुलिस के जवानों से भी हमने विशेष बातचीत की। दूरी बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, अपने सभी समझदार हैं, ये इसमें कोई नीच ऊंच कोई नहीं है, नहीं कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सभी के लिए समान है। इतने दिनों से ठेके बंद थे तो अचानक खुले हैं तो लोगों का इतना क्रेज बढ़ा है, जैसे कोई मिठाई की दुकान पे पड़ते हैं, बड़ा डिस्टेंसिंग का मामला और नहीं हो रहा है, लोग बाग मानते भी नहीं, बहुत ही मतलब थोड़ा ज़्यादा उतावले हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। बाकी अव्यवस्था है तो नहीं है इस तरह की? नहीं, इस तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई फालतू बोलता नहीं है, चुपचाप। बाकी आप जैसे इन दुकानदारों को बता सकते हैं कि मैं सोशल डिस्टेंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको सुबह के ही मैंने ब्रीफ कर दिया था और बार बार उनको मैं टोकता रहता हूँ। हालांकि अब राज्य सरकार ने शराब ठेके बंद करने के आदेश कर दिए हैं, लेकिन शराब ठेके खुलने के जो आदेश थे उसी के संबंध में हमने जिला आबकारी अधिकारी भवानी सिंह से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा शराब के ठेके खुलने के आदेशों के बाद। ये अनुज्ञा पत्र की शर्तों में पहले से प्रावधान है कि अनुज्ञा पत्र की अवधि जो समाप्त होती है उस समय जो इस तरह उसका बचाव होता है अनुज्ञाधारी का, वो डिपार्टमेंट को उसकी छुट्टी देता है और अगले किसी अन्य अनुज्ञाधारी के पक्ष में उसका नियमानुसार फीस जमा करवा के स्थानांतरण करवाता है। अब तक सर कितने ठेकों का हो गया सर? ये आपका रिजल्ट से कोई फील्ड में उनके पास में ये सूचना है, आज शाम तक जो सूचना संकलित होगी इसकी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे शॉपिंग नहीं चलना क्या?
दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। SDP Memorial School, Co-Educational English Medium School. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. Systematic and holistic teaching approach, incorporation brain exercise and small group approach. Committed and dedicated faculty for excellent academic achievement. Effective student-teacher ratio 25:1. Stress-free, bias and independent learning atmosphere. Emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1. Admission open for nursery to 12th. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New Campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606. देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर के पांचों गांव में खेवाराम की दानी में खेवाराम के पुत्र फुंसा राम ने एक ऐसी ट्री हट बनाई है जिसे लोग देख करके और खुश हो रहे हैं, वह आकर्षण का केंद्र बनी है। विदेशों में ट्री हट की इस अवधारणा के साथ में और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से ही खेवाराम के पुत्र फुंसा राम ने कीकर के पेड़ पर यह शानदार ट्री हट बनाया है। यहाँ पर 4 लोग सो सकते हैं और 6 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर के गांव में यह एक कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पांचों गांव में खेवाराम की ढाणी में यह ट्री हट बनी है। मैं हो चो एकदम कीकरी हो पच मैग में बना दा झोंपड़ी बनाने इसके में सोची मैं धीरे 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 4-5 साल में बनी है छड़ी लगुड़ी है मियाँ मियाँ गुंती है सगड़ी बाती खंची है आ बात है तू जना तो बैठ सके 4 जना सो सके 4 जना सो सके 6 जना बैठ सके। बीकानेर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही से मौसम काफी सुहावना बन गया है। हालांकि बारिश नहीं हुई है लेकिन गर्मी से काफी राहत और निजात मिली है। देखा आपको मौसम की कुछ वो दृश्य जिसे देख करके और बीकानेर के लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे। बीकानेर नगर निगम में भी कर्मचारियों की न केवल स्वास्थ्य की जांच की जा रही है बल्कि स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इस बीच जहां महापौर सुशीला कंवर ने कोरोना वायरस जांच की स्क्रीनिंग के चलते लोगों को सहयोग देने की बात भी की। उन्होंने अपील की कि हमें इस जांच से घबराना नहीं चाहिए बल्कि लोगों को खुद आगे आकर के ज्यादा से ज्यादा अपनी जाँच करवानी चाहिए। आइए देखें निगम में किस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर इस स्क्रीनिंग के चलते क्या कहना है महापौर सुशीला कंवर। बीकानेर में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में जैसे कर्फ्यू जो है उसमें भी ढील दी गई है, जिनमें नया शहर थाना क्षेत्र का जो कर्फ्यू है वह आज से शिथिल हुआ है। लेकिन इसके चलते नया शहर पुलिस की भूमिका बदल गई है।
नया शहर पुलिस द्वारा कर्फ्यू के क्षेत्र में लोगों घरों में रखने के लिए कवायद कर रही थी, वहीं अब गैर जरूरी कारण से लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाइश कर रही है, उन्हें घरों में ही रहने के लिए हिदायत दे रही है। पुलिस का ये मानवीय रूप भी देखने में जो है वो मिल रहा है। कुल मिलाकर के बाहर आने जाने वाले लोगों को मास्क के लिए पाबंद किया जा रहा है, सैनिटाइज करने के लिए पाबंद किया जा रहा है, और अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर न निकले, इस तरह की हिदायतें भी पुलिस के द्वारा लोगों को दी जा रही है। नया शहर के पुलिस अधिकारी मोहन सिंह से स्वागत हमने की बातचीत। गाड़ियों की है, इसमें पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, मगर काम तो नहीं निकल रहे ये लोग बाग। लॉकडाउन के हिसाब से लोग बाग दुनिया देख रही है कि वैसे भी लॉकडाउन टूट चुका है, ये समझ रहे हैं लोग बाग, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होने के कारण इनको समझाइश की जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये घर से कम बाहर निकले, मगर काम नहीं निकले घर से, नियम पालना करें, मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में जो भी कार्रवाई है उसके लिए भी इनको बताते हैं कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, और इनको समझाइश भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कम से कम ये बाहर घर से कम बाहर निकले और लॉकडाउन के तुरंत पालन करें। सर मास्क नहीं लगने पर के बाद में शहर के भीतर महोत्सव के चौक से लेकर तेलीवाड़ा कोटगी और साधु सर्किल तक जो है वो सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं पब्लिक पार्क के बाहर और म्यूजियम सर्किल के साथ साथ जहां गजनेर रोड पर भी जबरदस्त सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार को रोका जा रहा है, तो बड़ी संख्या में आने जाने वाली गाड़ियां जो है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जिस तरह के निर्देश है कि कोई भी कैब जो है उसके साथ में ड्राइवर के साथ एक सवारी या फिर किसी भी गाड़ी में 1+1 वाली जो सवारी की बाध्यता है उसके चलते तमाम तरह की चेकिंग यहां यातायात पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं यातायात पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही चेकिंग के कुछ संपादित अंश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोटगेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। देख के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर में देवनगर में रहने वाली एक महिला के कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के साथ ही एक बार की हड़कंप मच गया है। पिछले 7 दिनों से जहां बीकानेर में कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी, तब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक और मरीज के पॉजिटिव आने के साथ ही लगातार फिर से जो है वह पीबीएम अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है। हालांकि एक और तो पीबीएम अस्पताल के डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से जबरदस्त जंग जीत रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस तरह की ये लापरवाही जो है वह भारी पड़ सकती है। पहले जहां नागौर से आई महिला के इलाज को लेकर की लापरवाही दिखाई दी, वहीं इस महिला को लेकर के बीबीएम प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दिखाई दी। गौरतलब है कि यह महिला पीबीएम में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत है और लगातार यह लोगों के संपर्क में रही। हालांकि देवनगर में इस महिला का निवास है और इसके आसपास के क्षेत्रों को प्रशासन ने तुरंत सीज कर लिया और आसपास के घरों में अब सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं यहां पर प्रशासन ने लगातार जो है वह स्क्रीनिंग की व्यवस्था को और तेज कर दिया है और आसपास के पूरे इलाके को सीज कर दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग एक तरीके से कर्फ्यू जैसी स्थिति अब यहाँ पर बना दी गई।
सामान्य तौर पर अध्यापक हमेशा ही प्रेरक होते हैं और वे राष्ट्र के निर्माता होते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिम्मतसर में एक ऐसी ही अध्यापिका है जिन्होंने कोरोना वायरस के इस महामारी में अपना रक्तदान देकर के और रक्तदाताओं को प्रेरित करने का काम किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इन हालातों में एक अध्यापिका ने अपने रक्त का दान करते हुए लोगों से इस बात की अपील की है कि कोरोना महामारी के दौरान सामान्य तरीके से लोग जो है वो रक्तदान करने से न घबराएं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हिम्मतसर में कार्यरत इस अध्यापिका ने अपना रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करने के पश्चात हमने इस अध्यापिका से की विशेष बातचीत। आज मेरी भाभी उर्मिला और बीकानेर ब्लड सेवा समिति के आग्रह पर मैंने जीवन में प्रथम बार रक्तदान करने का निर्णय लिया। इसकी मुख्य वजह ये रही कि आज जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके दौरान सब लोग रक्तदान करने से घबराते हैं। मैं चाहती हूँ आप आगे आएं और रक्तदान करें। कई समितियां जुड़ी हैं जो हमें जागरूक करती रहती है। वॉरियर्स को लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के साथ ही जहां एक और कई कार्यों में, व्यापारों में उद्योगों को शिथिलता दी गई है तो कई उद्योगों को बंद रखा गया है। हालांकि इसमें निजी तौर पे जो सैलून बनाने वाले लोग हैं इनको भी पाबंद किया गया है। बावजूद उसके लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के मायने नहीं समझ पाए हैं। जयपुर रोड पर ऐसे ही फुटपाथ पर एक नजारा देखने को मिला जब एक व्यक्ति किसी के बाल काटते हुए दिखाई दे रहा था। ऐसे में न तो इन लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी और न ही इन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। हमारे कैमरामैन जैसे ही इनके पास में पहुंचे ये अपना काम छोड़ करके और भागने लगे। दिखाते हम आपको बीकानेर गंगानगर रोड का एक ऐसा ही नजारा। नया शहर पुलिस अब नई भूमिका में बाहर निकलने वाले गैर जरूरी कार्यों से लोगों को कर रही है समझाइश। शराब के ठेके खुलने के आदेशों के साथ ही बंद होने के भी आदेश देने सुबह से देखने लगी चला। विदेशी ट्री हाउस की प्रेरणा के साथ ही पांच गांव के सराम ने बनाई पीतल की मेज पर एक शानदार। बादलों की आवाजाही से सुबह से ही मौसम हुआ सुहावना। बीकानेर के देव नगर में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही ग्रीन जोन में जाने की अटकलें हुई एक बार खास्त। महापौर और निगम के अधिकारियों के बीच में बैठक समाप्त। मोहता चौक तेरी बड़ा कोर्गीट और साधु सिंह सर्किल पर सघन चेकिंग अभियान जारी। और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिम्मतसर की अध्यापिका ने किया रक्तदान बनी प्रेरणा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।